पीजीआई वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। इस संबंधी पीजीआई के डायरेक्टर जगतराम ने दसिया कि हुण पीजीआई विच मरीज नूं रैफर करन लई पहला पीजीआई के नोडल अधिकारी नाल गलबात करनी होवेगी ते उस मरीज का इलाज पीजीआई की गाइडलाइन अनुसार उत्थे अपने सूबे विच हर हाल विच करना होवेगा। जेकर मरीज की हालत गंभीर हुंदी है जां स्थिति अजिही रहिंदी है कि उसका इलाज उत्थे नहीं हो सकता तां उसे सूरत विच कोरोना मरीज नूं पीजीआई रैफर किया जा सकेगा। पीजीआई वालों यह फैसला इस करके लिया गया है क्योंकि पीजीआई विच लगातार गुआंढी सूबियां पंजाब हरियाणा हिमाचल जां होर सूबियां तों आउण वाले कोरोना मरीजां दी गिणती काफ़ी वध रही है। श्री बदनौर जी, उन्होंने हमें बताया कि आप लोग एक मीटिंग करिए और उसमें रेफरल सिस्टम को इम्प्रूव करिए, क्योंकि जो पीजीआई है एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें पंजाब हरियाणा और हिमाचल और नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और राजस्थान से भी केसेज आते हैं और हाईएस्ट नंबर तो पंजाब से आता है, उसके बाद में चंडीगढ़ और हरियाणा से आते हैं और हिमाचल से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर आते हैं। तो वो हम लोगों ने मीटिंग की जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा के, पंजाब के, चंडीगढ़ के और डायरेक्टर प्रिंसिपल चंडीगढ़ के और पीजीआई के हमारे डीन और हम लोगों ने मीटिंग किया। उसमें डिसाइड किया कि कोविड के रिलेटेड बात थी तो वैसे ये तो नॉन कोविड पेशेंट के लिए भी सही है कि जो सीवियर पेशेंट किसी भी स्टेट से, पंजाब हरियाणा से रेफर करें तो पहले बातचीत करी जाए आपस में। हम लोगों ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किया और उनका नोडल ऑफिसर हमारे डॉक्टर से बात करें और डिसाइड करें कि पेशेंट उनकी स्टेट में ही ट्रीट हो सकता है कंसल्टेशन के बाद में। अगर नहीं हो सकता है, अगर वो असमर्थ पाते हैं कि भी पेशेंट को पीजीआई रेफर करना ही है, तो दोनों के बीच में सहमति के बाद में उसके लिए बेड का अरेंजमेंट किया जाए और सांभलांदा सी मरीज नूं पर हुण पहला गल करनी होगी फिर रेफर कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये कोविड के पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर कोविड का पेशेंट है और सीरियस पेशेंट है जिसके लिए इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत है, तो फिर आप अगर उसको सीधा रेफर करेंगे तो उसमें मोर्टिलिटी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अगर पहले बेड का अरेंजमेंट पहले हो जाएगा और उसको रेफर किया जाएगा तो उसमें फ़ायदा होगा। और एक और भी चीज़ तय हुई है कि अगर जैसे पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको बैक रेफरल, ठीक होने के बाद में जहां से आया वहां पे वापस रेफर किया जाएगा, वो भी चीज़ एग्री की। मान दी आवाज, हर आमो खास ते हकूमत नु भी करांगे सवाल जवाब, आप नहीं तब पहुंचेगी साटी वीडियो कॉल। अफवाहों तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।